बस वही है कि मुझे टनल के बाहर सिर्फ बिग बॉस ही भेज सकते थे और आई एम वेरी हैप्पी लोगों को टनल तक छोड़ के आने में मेरी जितना योगदान मुझे नहीं लगता जितना था जितना टनल से सबसे आखिर में बाहर निकालने के लिए मेरे फैंस का था, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और ये जो प्यार मुझे मिल रहा है और जो मैं बाहर आके फील कर पा रहा हूँ आई एम वेरी थैंकफुल। इस तरह के फैंस नसीब वालों को मिलते हैं और मुनव्वर नसीब वाला है। मैं हमेशा कोई भी ऐसा मूवमेंट होता है अच्छा होता है बुरा होता है मैं हमेशा फील करता हूँ कि काश वो लोग होते और वो देखते और चीज़ों से गुजरना पड़ता है। माँ की दुआएं मुझे हमेशा लगती है माँ और बाप की दुआएं मेरे साथ है, तो आज शायद स्टेज पे कहना चाहता था बट कह नहीं पाया, बट मुझे लगता है ये सही जगह कहने के लिए कि तू साथ ना माँ पर साथ तेरा साया था, कितना मशहूर और कितना ही कमाया था वो तोड़ने आए थे मेरा मिट्टी का महल लेकिन बेटा मुमताज का इनका ताज छीनने आया था। जिस तरह जर्नी आपकी रही आपका वाइल्ड कार्ड के बाद काफी बदलाव आया आपकी जर्नी में, बट आपके फैंस स्टैंड बाय रहे फैंस ने काफी सपोर्ट किया आपको, किस तरह से देख रहे हो बट आपकी जो गेम थी अप डाउन इंडस्ट्री से काफी लोग ने आपको सपोर्ट किया सेलिब्रिटीज सपोर्ट किया आज भी मिले आज भी सेलिब्रिटीज आपके नाम ले रहे थे, हाउ डू यू सी दिस सपोर्ट? भाई मैं जैसे बोलना चाहूंगा गेम ऊपर नीचे होना वाइल्ड कार्ड का आना मैं अपने जब काम का अपनी कामयाबी का क्रेडिट खुद को देता हूं तो मैं अपने फेलियर का भी कभी भी किसी और को जिम्मेदार कभी नहीं ठहराता, मैं हमेशा अपने फेलियर्स को भी एक्सेप्ट करता हूं और जो अंदर मेरे साथ हो रहा था अगर मेरे कर्म की वजह से हो रहा था तो बाहर ये जो कुछ हो रहा था वो भी मेरे कर्म की वजह से हो रहा था, तो कहीं ना कहीं इंसान इस तरह के प्लेटफॉर्म पे जब आप किसी प्राइवेट चीज़ें और पर्सनल चीज़ें आती है आप उसके लिए रेडी नहीं होते हो, बट कहीं ना कहीं मुझे जो सपोर्ट और प्यार मिला है वो जानते हैं मुझे और उन्होंने हमेशा मुझे चीज़ों में देखा है। बिल्कुल रहेगी, क्यों नहीं रहेगी, अभिषेक और मनारा से मेरी दोस्ती हमेशा रहेगी, अंकिता से भी रहेगी और घर है बिग बॉस का घर, बहुत सारे इमोशन से आप गुजरते हो, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ये सब फील करूंगा, वहाँ पे बहुत सारे इमोशंस थे और खास करके दोस्ती को लेकर आपको एक वक्त किसी से नाराजगी होती है मिसअंडरस्टैंडिंग होती है कम बात करना या कभी झगड़ों की वजह से और बहुत सारे लोग गेम खेल रहे होते हैं तो आपस में दोस्तों में वो रंजिशें आना लाजिम है, बट एट दी एंड आपको रियलाइज होता है कि जो रियल रिश्ते हैं वो घर के बाहर भी रहते हैं। देखिए मैं यही बोलूंगा कि जब आप एक रियलिटी शो जीतते हो और इतने प्यार करने वाले लोग होते हो तो आप कभी भी अपने एक नए प्रोजेक्ट को लेकर एक एक्सपेक्टेशंस बिल्ड कर देते हो अपने आप ही और वो एक्सपेक्टेशन पे लोगों को लगा होगा कि भाई ये तो जाकर ही कुछ ना कुछ फाड़ना शुरू कर देगा, तो मैं हमेशा से सुनता था समझता था कि बिग बॉस घर क्या है, कहा जाता था सिविलाइज तरीका, कहा जाता था कि घर में हो आप घर में ऐसे बिहेव करते हो अपनी लैंग्वेज पे काबू, तो मैंने दायरे मेंटेन किए, कभी किसी को पर्सनल अटैक नहीं किया ना कभी किसी को गालियाँ दी और मैंने हमेशा एक ऐसा जोन किसी के साथ रखा कि बात करके जब चीज़ें सुलझ सकती है तो मैं उलझाने वाला इंसान हूँ नहीं और मैं अपनी ज़िंदगी में भी इस तरह चीज़ें सॉल्व करता हूँ, झगड़ों से दूर रहता हूँ तो शायद मैं झगड़ा करते हुए दिखा नहीं होऊंगा बट मैं बातों से चीज़ों को सुलझा लेता था और गेम जब ज़रूरत थी मैंने उस हिसाब से खेला है, तो मैं जब बिग बॉस गया था तो मैं ट्रॉफी लेने ज़रूर गया था लेकिन जब मैं अभी बिग बॉस से बाहर आ रहा हूँ तो सिर्फ ट्रॉफी लेके नहीं आ रहा हूँ, मैं एक बेहतर मुनव्वर को बाहर लेके आया हूँ और ये मेरे एक्शंस में मेरी लाइफ के आगे के डिसीजंस में
और हमेशा दिखेगा। मैं बहुत ही ग्रेटफुल हूँ, मुझे रिग्रेट नहीं हो रहा उस जर्नी में मेरे साथ जो कुछ भी हुआ, मुझे किसी चीज का रिग्रेट अफसोस नहीं है। मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ ये सोच के कि मेरे साथ ये जो आजमाइश थी, जो एग्जाम था, टेस्ट था, वो ऐसी जगह पे हुआ कि जिस जनता ने मुझे बनाया है उसी जनता के सामने मैं मौजूद था, कटघरे में था, और तब भी उन्होंने प्यार दे के मुझे हाथ दे दिया कि जब मैं लड़खड़ाया भी तब भी हाथ दिया कि ठीक है, हमें तेरा वो जख्म नहीं देखना, उसके अलावा का जो पूरा जिस्म है, जो खूबसूरत है, उसको देखा और वो जख्म पे ध्यान नहीं दिया। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सारे फैंस का। मैं जैसे ही घर से बाहर आया हूँ और मैं वैनिटी गया हूँ और वैनिटी से यहाँ आया हूँ, मुझे आपने जो बात कही उसका कुछ भी इल्म नहीं है। मैं जाकर यहाँ जाकर मैं पहले तो फोन खोलूंगा, चीजें देखूंगा, समझूंगा और उसके बाद ही कमेंट करूंगा इस पे। डेफिनेटली फैमिली, दोस्त, चाहने वाले, फैंस, सबको अफेक्ट करता होगा। लेकिन मैंने बहुत सारी विमेन के अराउंड प्रोजेक्ट्स किए, काम किए हैं, एंड वो जानते हैं कि मैं कितना रिस्पेक्टेबल रहा हूँ और कितना कंफर्टेबल मैंने उनको अपने अराउंड फील कराया है। और क्योंकि मैं जो टीम में काम भी करता हूँ, मेरी टीम जो अलग अलग जो लेवल्स में काम करता हूँ, वहाँ पे सारी औरतें हैं, एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल कि वैसे भी लोग हैं जो मुझे आंखों में आके देख के औरतें बोलेगी कि वी नो दैट तू ऐसा नहीं है। और गलतियाँ होती है, और जो टैग्स आप कह रहे हो वो टैग्स मेरे एक्शन से और मेरे जो चरित्र बोलते हैं उससे ही उनके जवाब मिलेंगे भविष्य में और आने वाले वक्त में। मुझे सच में इस चीज का इल्म नहीं है, मुझे मैं ये किशन, मैं ना ये सारी बहुत सारी चीजें मैं सुनिए, मैं अब वक्त वक्त टाइम दीजिए चीजों को, टाइम दीजिए। मैं अभी बाहर निकला हूँ आपके हिसाब, बस जेन्युइनली बोल रहा हूँ, मेरे लिए सारी चीजों को प्रोसेस करना मुश्किल हो रहा है इस वक्त, क्योंकि मैं 3 रात से सोया नहीं हूँ और मैं बाहर आया और मुझे कुछ भी नहीं पता ये सारी न्यूज के बारे में। बट डेफिनेटली चीजें बेटर वे में सॉल्व की जाएगी। देखो मैं, मुझे आपने ये बताया, मुझे नहीं पता है, बट लोग बोल रहे हैं कि डोंगरी में जश्न हो रहा है और मैं बहुत ही मैं पागल हो रहा हूँ कि है, मैं वही बोल रहा हूँ कि मैं सोचता भी था कि जाने दो इन लोगों को, जिनको पार्टी करने जाना है, मैं ट्रॉफी लेके सीधा डोंगरी जाऊंगा।